हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ न्यू ईयर मेकअप लुक। आई होप आप लोग को अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे इस वीडियो को पूरा देखें और इसे बड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इन्जॉय द वीडियो। सबसे पहले मैं लूँगी प्राइमर। ये मार्स का सिल्की फिल प्राइमर है जो वायरलेस है, अनरिसमेंट देता है। इसी के तहत हमारा बेस सेट हो जाता है और मेकअप को लॉन्ग इलास्टिक बनाता है। और इसे एक से दो मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद फाउंडेशन लगाएं। अब आ रही थी फाउंडेशन की। ये लकमे का फाउंडेशन है, तो हमेशा फाउंडेशन अपने चेहरे के अकॉर्डिंग लें आप। और इसे इस ब्रश के मदद से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। सी गाइस, आप चाहे तो इसे ब्लेंडर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं डैबिंग डैब मोशन में। मैं इस ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। सी, अब बात यह आती है कंसीलर की। इसमें मैंने एडीएस का कंसीलर यूज़ किया है। इसे मैं अपने डार्क पार्ट पे लगा लूँगी ताकि मेरा वो पार्ट हाइलाइटेड हो। पहले मैं आईज पे लगा लूँगी ताकि मेरा आई मेकअप अच्छे से उभर के आए, देन आई के नीचे, देन टिप ऑफ नोज़ ताकि मेरा जो अगर कोई भी डार्क पार्टेड है तो वो ढक जाए और अच्छे से ये उभर के दिखे। आप ये अच्छे से ही लगा सकते हैं गाइस। अगर पिंपल्स है तो उसे भी ढक सकते हैं इससे। सी, फिर मैं इसे उसी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से उसी डायरेक्शन में। सी गाइस, आप ये ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी यूज कर सकते हैं। ब्लेंड करने के बाद बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की, तो आप किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लकमे का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, तो मैंने अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर ले रही हूँ। अब बारी आती है कंटोरिंग की, तो ये कंटोरिंग वेट एंड वाइल्ड का है। इसमें कंटोरिंग के साथ कंसीलर भी दे रखा है, तो इसमें इस ब्रश की हेल्प से ही अपने चिक बोन पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सी गाइस, और इसे लेके मैं अपने जा लाइन पे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी नीचे की तरफ ताकि मेरा फेस स्लिम दिखे। कंटोरिंग का मेन रीज़न ये होता है कि हम अपने फेस को अच्छे से मतलब स्लिम दिखा सकते हैं। अपने नोज को भी मैं यहाँ कंट्रोल कर लूँगी ताकि मेरा नोज भी स्लिम दिखे। सी गाइस, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब बारी आती है आईब्रो फिल करने की, तो ये मेरा ब्लैक सेट का आईब्रो पेंसिल है जिसे मैं अच्छे से फिल कर लूँगी। पहले अंडर लाइनिंग करके फिर अच्छे से फिल कर लूँगी। सी गाइस, सी, फिर इस ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब बारी आती है आई मेकअप की, आई शेडो पैलेट। ये एंजल रोज का पैलेट है, शेड नंबर 1। इसमें 18 शेड्स दे रखे हैं। सी गाइस, इसमें से मैं ये पिंक सेट लेके, और ये ध्यान रखें कि कभी ज़्यादा ना लें, हल्का सा लेके अच्छे से ब्लेंड करें इनर टू आउटर कॉर्नर में, अच्छे से ब्लेंड कर लें। ऐसे इन दोनों आँखों में ब्लेंड कर लें। ये चीज़ ध्यान रखें कि ज़्यादा मात्रा में ना लें, थोड़ा थोड़ा करके लें। अगर ज़्यादा आए तो उसे फॉल आउट करके बाहर निकाल लें, अच्छे से ब्लेंड कर ले। तो मैंने अपने ड्रेस के मैचिंग ये किया है, ये येलो और उसमें रेड का कॉम्बिनेशन है, तो मैंने ऐसे ही रेड का लाइट पिंक कर लेके अच्छे से इसका बेस सेट कर लिया है। अब इसमें मैं येलो शेड लेके इसके आउटर कॉर्नर में लगा लूँगी। सी गाइस, सी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ठंडा का मौसम था तो मैंने दरवाज़ा खोल रखा था धूप आने के लिए, तो इसलिए धूप आ रहा है। तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए सॉरी। सी, उसके बाद मैं इसमें से गोल्डन शेड लेके अपने हाथों से नहीं बीच में मतलब मिडिल पार्ट में लगा लूँगी, इससे अच्छा लुक देगा। सी गाइस, सी, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो
इन्जॉय द वीडियो। उसके बाद इस ब्रश की हेल्प से, तो उसी जिस ब्रश से मैंने अपना मेकअप किया उसे लेके थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे शेडेड कर लूँगी ताकि लुक अच्छा देने के लिए। अब इससे इस ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा इसमें सा हाईलाइटेड शेड लेके अपने आईब्रो के नीचे फिल कर लूँगी ताकि मेरा आईब्रो थोड़ा अच्छे से डिफाइंड दिखे डिफाइन शेप में। सी गाइस, ये मैंने सिर्फ अपने आईब्रो को जैसे दिखाने के लिए ऐसे कर रही हूँ कि ताकि अच्छा शेप दिखे। हमारी यदि मैं इस स्मॉल ब्रश के हिसाब से, इस स्मॉल ब्रश की मदद से थोड़ा सा लाइट शेड लेके अपने इनर कॉर्नर के पास लगा लूँगी ताकि मेरा आई लुक थोड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, अब बारी आती है आई लाइनर की। जो मैं यहाँ लोरियल का काजल यूज कर रही हूँ आई लाइनर के रूप में, तो इसे मैं अपने आँखों पर लगाऊँगी। पहले आँखों को थोड़ा सा पुल कर ले और देन अपना शेप दे अच्छे से। मैं यहाँ थोड़ा थिक आई लाइनर लगा रही हूँ। इसे क्या होता है ना, काजल से आई लाइनर लगाने पे थोड़ा हल्का हल्का फील होता है, मतलब आँख में ज़्यादा भारी फील नहीं होता है, तो लुक भी अच्छा क्रिएट होता है। सी गाइस, आप चाहे तो आई लाइनर भी यूज कर सकते हैं। अब आ रही आती है हाइलाइटर की, जो फेस को हाइलाइटेड करके दिखाता है शाइनिंग शाइनिंग फेस। तो इसमें ब्रश की हेल्प से मैं अपने चिक बोन पर लगा लूँगी ऐसे सी, फिर इस अच्छे से फिर अपने टिप ऑफ नोज पे लगा लूँगी, फोरहेड पर थोड़ा सा हाइलाइटेड कर लूँगी जो सनी सनी दिखे। उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये पची पची ना लगे। सी गाइस, सी लुक की वजह से अच्छे से दिख नहीं पा रहा लेकिन ये बहुत अच्छे से लग चुका है। हमारे तो लिपस्टिक है, ये मेट लिपस्टिक है हॉट रेड कलर। तो सबसे पहले मैं आउटर लाइनिंग बना लूँगी इसका, किनारे किनारे आउटर लाइनिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से फिल कर लूँगी, इसे थोड़ा सा करके ही लें, एक बार ज़्यादा ना लें नहीं तो ये बहुत डार्क पैचेज में बन जाएगा। ठीक है, इस अच्छे से ब्लेंड कर ली इसे। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हाइलाइटेड लगा लूँगी कि थोड़ा सा ओट उभरा उभरा दिखे। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेकअप लुक। अब थोड़ा सा इस पर मैं बिंदी लगा के आ जाती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे बड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप ये मेकअप लुक का अपने मेकअप प्रोडक्ट से भी यूज कर क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया है आप उसी से क्रिएट करें, तो आप किसी प्रोडक्ट का यूज़ करके अपना ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।